Students of CBSE Board Class 10th Class 12, this is a video important for session 2023 and 24, जो fresh बच्चे हैं, नए बच्चे हैं। बच्चों जैसा कि आप सब जानते हैं, इस बार जो एग्जाम हुआ था रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया, करेक्ट? बहुत से बच्चे दुखी हैं, अपसेट हैं। इस बार आपको पता होगा कि CBSE ने लास्ट काफी ईयर से एक्सपेरिमेंट किया है। अभी 2022 की बात करूं तो यहाँ पर दो टर्म्स हो गए थे, ठीक है? दो टर्म एग्जाम हुआ था, टर्म वन T1 एंड T2। वहां पर वेटेज डिसाइड नहीं कर पा रहे थे बच्चे, उस वजह से भी बहुत टेंशन थी, बट रिजल्ट फिर भी इनका ओके था। 2022 की बात करें, लास्ट ईयर यानी कि अभी जो एग्जाम हुआ सेशन 23, यहां पर 1 लाख से भी ज्यादा बच्चों को कंपार्टमेंट मिल गया है। बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने 90% एक्सपेक्ट किया था और डिप करके उनका 65-70% है, ठीक है? तो कॉपी चेकिंग इस बार अच्छे से नहीं हुई है। हालांकि जब CBSE ने सैंपल पेपर रिलीज किया था वो मॉडरेट ही था, और बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर थे वो उतने भी डिफिकल्ट नहीं थे, ठीक है? क्वेश्चन पेपर जो था, कुछ कुछ सब्जेक्ट के थे जो मतलब थोड़े डिफिकल्ट लेवल पे थे, बट बाकी सब एवरेज था, इतना मुश्किल नहीं था, ठीक है? लेकिन कॉपी चेकिंग कुछ जोन्स में अच्छी नहीं हुई है। ये नहीं कहूंगी ओवरऑल ही खराब हुई है, बहुत से टीचर ने फेल भी नहीं किया किसी बच्चे को, लेकिन ये नहीं है कि सारे टीचर्स ने ऐसा किया। देयर आर सर्टेन टीचर्स जिन्होंने सर्टेन नंबर ऑफ टीचर्स इन सर्टेन जोन जहाँ पे मार्किंग बहुत ज्यादा पोलाइटली लिबरली नहीं हुई है, लीनियंटली नहीं हुई है, तो वहाँ स्टूडेंट्स सफर कर रहे हैं। और दिक्कत ये ना कि जब बच्चे कंपार्टमेंट आ जाती है ना, तो उनको अलग लेवल का फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, अलग लेवल का डिप्रेशन हो जाता है। एक तो पढ़ना दोबारा पड़ेगा, अब उनको एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, 10 तरह की टेंशन हो जाती है। डांट अलग पड़ती है, घर में डांट पड़ती है, फिर इमेज कॉन्शियस होते हैं बच्चे, तो उन्हें लगता है कि जो दोस्त पास हो गया हो उनके सामने जाने से हिचकिचाते हैं, रिश्तेदारों में बैठने से हिचकिचाते हैं, तो तरह तरह की बातें, और जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक दिक्कत है। और CBSE ने जो रूल बनाया हुआ है वेरिफिकेशन का, वहाँ पर भी पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो इट इज़ नॉट ईजी फॉर एवरी स्टूडेंट। तो CBSE ने ऑलमोस्ट इस बार एक वार्निंग दे दी है, क्योंकि देखो लास्ट ईयर जो 2022-23 था, यहाँ पर भी पैटर्न चेंज हुआ था। इस साल CBT यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को ट्रायल बेसिस पर 40% किया गया था, ठीक है? 30% किया गया था, और अब आपके सेशन में उसको 40% था, सॉरी इस बार 50% कर दिया गया है बढ़ा करके, उससे पहले 30% था। तो CBT यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके कॉन्सेप्ट को चेक करते हैं कि आपकी सब्जेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन कितना था, आपने कितने फोकस से पढ़ा था, आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कितनी है। डेली बेसिस पे जो चीजें होती है उससे उठा करके क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, यानी कि रटी रटाई चीजों से अब मुक्ति दिलाने के लिए CBSE क्या कर रही है कि आपके एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश कर रही है। तो देखो 30% से बढ़ के इस साल 40% हुआ था, अब 2024 वाले बच्चों के लिए 50% है। इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है? देखो CBT में MCQ आ जाता है। MCQ के साथ क्या है ना, आइदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग, या तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे या तो जीरो मिलेगा, ठीक है? और अगर मान लो कि वो होते हैं ना शॉर्ट आंसर्स, वेरी शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर, उसमें आपको स्टेप मार्किंग होती है, तो आपने अगर आधा अधूरा भी लिखा होता है तो नंबर वहां पर कुछ ना कुछ मिलता है। लेकिन MCQ अगर 50% है मान लो ये पोर्शन CBT का, तो वहां पर दिक्कत ये है कि आइदर राइट और रॉन्ग, तो स्टेप मार्किंग यहाँ पर हो नहीं पाती, ठीक है? अटेम्प्ट के नंबर यहाँ पर मिल नहीं पाते। तो ये सब कॉन्स हैं कि जो बच्चे मान लो कि एवरेज स्टडी करके जाते हैं वो यहाँ पर ज्यादातर फेल हो जाते हैं ऐसे कंडीशन, ठीक है? और स्टेप मार्किंग अगर होती है, अटेम्प्ट के नंबर होते हैं, तो वहां पर टीचर थोड़ा थोड़ा नंबर देकर के पास कर देता है। क्लास 10th में तो फिर भी थ्योरी और प्रैक्टिकल मिलाकर के आपको 33% लाना है, बट फॉर क्लास 12 स्टिल देयर इज अ पेन कि आपको थ्योरी में भी 33% लाना है, प्रैक्टिकल में भी 33% लाना है, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों के लिए, ठीक है? तो आप सबसे को CBSE ने हिंट कर दिया है कि CBT बढ़ा दिए गए हैं और जो लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर्स था उसको घटा दिए गए, तो आप बेसिकली ढंग से तैयारी कीजिए, ठीक है? ज्यादातर बच्चे जैसे बोर्ड का रिजल्ट निकलता है उसके बाद उसी में रह जाते हैं कि कुछ 2-3 महीने उसी में खींच देते हैं कि अरे अभी तो बोर्ड का रिजल्ट ही आया है। और 10th और 11th के सिलेबस में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, अगर आपने देखा हो और रियलाइज किया होगा। मुझे कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया था कि मैम आप सही कह रही थी, सिलेबस में काफी डिफरेंस है। तो बेटा सिलेबस में डिफरेंस है, देयर इज नो मैच, नो कंपैरिजन। अगर 10th और 11th की हम बात करें तो कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है? और जो 11th के बच्चे 12th में गए, 11th में बेशक आपने पढ़ा नहीं, पढ़ा अब पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है? क्योंकि आप पढ़ते हो प्री बोर्ड्स के टाइम, मिड टर्म से स्टार्ट होता है आपका प्रेशर बिल्ड होना। अब बोर्ड ने बता दिया 15 फेब को एग्जाम होगा स्टार्ट, तो 15 फेब को ही स्टार्ट होगा, क्योंकि इस साल भी ऐसा हुआ था। और CBSE इस बार कुछ और मूड में है, हड़बड़ाहट में है,
सिलेबस दे दिया है, पैटर्न दे दिया है, आपका सैम्पल पेपर रिलीज किया, तो फर्स्ट टाइम इतनी जल्दी सारी चीजें हुई हैं। सो दिस इज अगेन गोइंग टू बी अ वेरी एक्सपेरिमेंटल ईयर। अब रिजल्ट हम एक्सपेक्टेड नहीं, हम नहीं बता सकते हैं कैसा रिजल्ट होगा इस बार, ठीक है। क्वेश्चन हो सकते हैं थोड़े डिफिकल्ट लेवल के हो, क्योंकि सीबीटी बढ़ा दिए जा रहे हैं, ठीक है, पैटर्न चेंज है। अब देखो सीबीटी 50% है, ठीक है, तो आपको जम के मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आप अच्छा रिजल्ट ला सको, ठीक है। थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन इसका मतलब बढ़े हैं, कॉन्सेप्ट की जरूरत है, हाई लेवल के क्वेश्चन हैं। तो मिड टर्म के बाद पढ़ना मत शुरू कीजिए, लास्ट ईयर के इस साल के बच्चों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है, बहुत से बच्चे कंपार्टमेंट की कैटेगरी में फॉल कर गए हैं, तो ये आपके साथ ना हो इसलिए पढ़ाई चालू कर दीजिए, ढंग से पढ़िए, ठीक है। बाकी के फर्दर डिटेल्स मैं आपको दूंगी, ठीक है। और क्लास ट्वेल्थ के लिए फिर जो आपके कॉन्टेंट्स हैं एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी, यानी कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज लेके आऊंगी, ताकि जो आपको पढ़ना है एग्जैक्टली वो आपको समझ में आए कि एनसीईआरटी से पढ़ाई कैसे करते हैं, ठीक है। बट वेट फॉर सम टाइम, कुछ दिनों बाद वीडियोज उसके आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इस साल बच्चों के एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुए हैं, आई विश कि आप सबके मीट हो, इसलिए एनसीईआरटी ही है जिससे पढ़ना है, ठीक है। 10 किताब मत पढ़िए, गो थ्रू एनसीईआरटी, आपको फायदा होगा, बोर्ड में अच्छे नंबर लाओगे, और जेई मेंस और नीट वहां पर भी केमिस्ट्री में खासतौर पर अगर मैं कहूँ तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और खासकर इस साल 2023 के बच्चों के लिए बात करूँ, केमिस्ट्री में अगर कंपार्टमेंट लग गया बच्चों, तो स्पेशल बैच लॉन्च हुआ था, एक बैच फुल हो गया है, दूसरा बैच है जिसमें अब कुछ बच्चे एडजस्ट होने बाकी हैं। आप मुझे ईमेल कर दीजिए ताकि फर्दर डिटेल्स मैं आपको दे सकूँ। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।